दुनिया की सबसे साफ नदी, इतना साफ रखा है कि अगर एक का सिक्का गिर जाए तो दिख जाएगा कहाँ पर है। गंगा नदी में एक स्कॉर्पियो गिर गई थी, अभी तक नहीं मिली। मोदी जी जब नमामि गंगा प्रोग्राम चालू किए, राइन नदी मिला या नहीं मिला? राइन नदी से कोयला का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। राइन नदी काफी गहरी है, यहाँ पानी वाली जहाजे लंबी आकार का लाया जाता है जो नाव में चले, और इस पे कोयला लादा जाता है और पूरे जर्मनी में भेज दिया जाता है। जर्मनी की प्रवेश द्वार या जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी को कहते हैं, और जर्मनी ने राइन नदी को इतना साफ रखा है कि अगर एक का सिक्का गिर जाए तो दिख जाएगा कहां पर है जर्मनी में, कहां पर, राइन नदी में। और पटना में ना 2013 में गंगा नदी में एक स्कॉर्पियो गिर गई थी, अभी तक नहीं मिली। फोर व्हीलर गिर गया स्कॉर्पियो 2013 में, अभी तक नहीं मिला। पहले अभी ना आप लोग जो देख रहे हैं गांधी सेतु को, चारों ओर से कवर्ड है। 2013 में केवल रेलिंग हुआ करता था, तो एक स्कॉर्पियो लाया फुल स्पीड में, अब बाएं मोड़ा रेलिंग में तुर के नीचे गिर गया, मर उड़ गया बेचारा। अब पता नहीं कौन सी के टेंशन में था कि पिए हुए था, टेंशनों में कई कई को एक्सीडेंट कर देता है। 2018 में एक जहाज का पायलट था, उसको टेंशन था ना तो ले आके जहाजिए लड़ा दिया। अरे यार तुम अकेले मरो, ग्रुप में ले जा रहा है सबको। राइन नदी दुनिया की सबसे साफ नदी। मोदी जी जब नमामि गंगा प्रोग्राम चालू किए थे और कहे थे हम गंगा नदी को साफ करेंगे, तो कील नहर के प्रोजेक्ट इंजीनियरों को लाया गया था। वो भारत में एक हफ्ता रहे से उसके बाद चल गया सब। गंगा नदी को हम लोगों ने, गंगा नदी को साफ करने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें कचड़े ना डाले हम, वरना वो एक हफ्ते में अपने बाकी एक महीना में कचरा सब चला जाएगा, ऑटोमेटिक गंगा नदी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ये क्या कि हम एक ओर से साफ करें और सारा कचरा डाल दें यहाँ पे। पटना का जितना नाला है ना, इतना गंदा नाला होता है पटना में जिसका कोई हद नहीं, एकदम महकते रहता है, और अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, गंगा नदी में, गंगा नदी में चला जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम कहेंगे कि साफ हो रहा है। जितने शहर के नाले हैं उसको एक जगह लाइए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले उसको साफ कीजिए, उसके गंदगी की कीटाणु को मारिए। दो लेयर का सफाई होता है, एक उसमें से क्या होता है कि कचड़े को प्लास्टिक ईंटा पत्थर साइड कर दे, उसको निकालना ईजी है। जाली मार देते हैं लोग यहाँ पे, पहले एक मोटा जाली ताकि बड़े बड़े कंकड़ आए, फिर थोड़ी दूरी पे और पतला ऐसे करके जाली से मार के निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्लोरीन या फिर कीटनाशक जो भी यूज होता है उसको करने के बाद फिर गंगा नदी में छोड़ना चाहिए। हम लोग तो और नाश देते हैं। और पूजा पाठ करने जब भी जाया कीजिए आप लोग गंगा नदी किनारे, तो जो प्लास्टिक वगैरह की चीजें वो गंगा नदी में मत डालिए। फूल हो गया गल जाएगा, गंगा के कि नहीं आ गया, फूल वगैरह गल जाते हैं। मूर्ति मिट्टी की होती है, अंदर पुआल होता है, वो गल जाता है यहाँ पे। अभी कौन सी प्लास्टिक चिमकीली सब डाल दोगे लोग, घड़ा परतुखी दिया ये सब तो गल जाता है पानी में, लेकिन ये सब नहीं ना गलेगा आपका प्लास्टिक व्लास्टिक। आधा तो हम लोग नाश के रखे हैं गंगा नदी को, और उसके बाद सोचेंगे साफ होगा कि नहीं होगा।